क्योंकि बात करने के लिए इंसान की नजर में शर्म होनी चाहिए, जो कि आप में तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं। आप प्लीज इन्हें समझाएंगी? अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? कोई आरिश नाम शख्स आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आया था, क्या आपने उसकी बीवी को जबरदस्ती अपने साथ घर में रखा? मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। किसने कहा तुम आओ? तुम्हारे आने से हालात कितने बदल गए, भाई कितने खुश थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था आरिश, कागजात पर साइन करके भिजवा देते, लेकिन तुम ना आते। बच्चों, क्या हुआ? क्या आंसू थे तुम्हारी आंख में? तेरा हल्का करने की कोशिश कर रही हूं। क्या बात है मुझे बता। काश उस वक्त जो किया वो ना किया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। बच्चो पहले भी बुझवा रही, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे दिल में कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कुल जो कुछ हमने परीसा के साथ किया उसमें मैं बराबर की शरीक हूँ। बच्चो बस हकीकत से और मुंह नहीं फेरा जा सकता। अच्छा मुझे ये बताओ करना क्या है। अजाला, अजाला करना है हमें, अपनी गलतियों का अजाला। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आरिश का जब भी और जो भी दिल करता है वो आराम से कर लेता है, मगर अली भाई वो परीसा की वजह से मजबूर है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? हाँ तो ये बात तो परीसा को सोचनी चाहिए कि आरिश के अलावा भी उसके और रिश्ते हैं, इस तरह सबका दिल तो नहीं दुखाया जा सकता ना। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार तुम बात करके देखो आली से कि वो परीसा को समझाए। आली भाई सब समझते हैं, वो जब भी परीसा से बात करते हैं तो पता नहीं क्यों वो नाराज हो जाती है। इस तरह तो मसले का हल ही निकलेगा, तुम बात करो आली भाई से, क्या सब मिलके भी परीसा को नहीं समझा सकते? तुम ठीक थे रवि, मैं ही गलत जो खुद को और परीसा को धोखे में रखता रहा। ये भूल गया था कि इंसान का माजी एक ना एक दिन उसके सामने आ खड़ा होता है। अगर मुझे 1% भी ये पता होता कि आरिश यूं एक दिन परीसा की जिंदगी में फिर से शामिल हो जाएगा तो मैं कभी भी परीसा और तुम्हारा रिश्ता। कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? नहीं रवि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। कुछ नहीं किया आली तुमने, मैं तो हमेशा से जानता था कि परीसा मेरे लिए बनी नहीं, और ये बात मैंने तुम्हें भी समझाई।
है, पुरानी बातें कुरेदने से क्या फायदा अली। यकीन मानो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब कुछ ठीक होता जाएगा। काश तुम परीसा की जिंदगी में आरिश से पहले आ गए होते। होनी को कौन टाल सकता अली। रवि तुम ये समझते हो ना कि मैंने ये फैसला क्यों किया। हाँ अली, मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ था और हूँ, और इंशाल्लाह अगर आगे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बस एक फोन कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो ना, अपना ख्याल रखना। परीसा मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ कर सकती हूँ और ना ही करूंगी, और जो कुछ तुम्हारी वजह से हुआ उसकी बात तो कभी भी नहीं। तुम्हारी वजह से भाई ने मुझे कितना कुछ कह दिया। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन परीसा भाई ने मुझ पर भी तो हाथ उठाया, मेरा भी तो गिरेबान पकड़ा हुआ। तो क्या अब इस बात को मैं अपने दिल में लेकर बैठ जाऊं? और तुम खुद सोचो, भाई ने मुझे माफ कर दिया, उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि मैं फिर से तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊं। जानती हो क्यों? ताकि हम एक बार फिर से उसी तरह एक साथ रह सके, अपनी जिंदगी का आगाज दोबारा से करें, एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करें। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वादे तो तुमने पहले भी किए थे आरिश, उनका क्या? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं परीसा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मैं अपना हर वादा पूरा करूंगा। और अगर ऐसा ना किया तो खुदा करे मुझे मौत आ जाए। आली, क्या सोचे जा रहे हैं? बिल्कुल बेबस हो गया हूं दुआ, मैं गुड़िया को आरिश के साथ नहीं भेजना चाहता। क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आपकी तकलीफ का अच्छी तरह से अंदाजा है,
लेकिन अगर मैं आपकी बीवी होने की बजाय एक औरत की हैसियत से सोचूं, तो परीसा को आयश के साथ जाने दे। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चाहा और तुमसे मोहब्बत की, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत में कदम बढ़ाती चली गई थी, लेकिन तब भी मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आरिश था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे दिल में आरिश के लिए इतनी नफरत क्यों है, क्यों मैं उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचता हूँ। प्लीज दुआ मेरी हेल्प करो, किसी तरीके से इस नफरत को मेरे दिल से खत्म करने में मेरी हेल्प करो। मुझे ऐसे लगता है कि वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता, बल्कि इस बार तो वो उसे और भी ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंचा सकता है। ये इसलिए कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी अपनों का जरूरत से ज्यादा प्यार ही उनके लिए गलत साबित हो जाता है। ये तो हम सब चाहते हैं कि परीसा हमेशा से आरिश के साथ खुश थी, बस एक गलत फहमी ने उन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर दी। लेकिन अब जब वो गलत फहमी ही नहीं है तो मुझे पूरा यकीन है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आज भी जान की कमी मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। कुछ चीजें कुदरत पे छोड़ देना ही बेहतर होता है, हमारे बस में नहीं होती चीजें। मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है तुम्हारी इस हकीकत को कि आरिश वापस आ चुका है और मैं तुम्हारे और उसके बीच में बिल्कुल दीवार नहीं बनूंगा। खुश रहो अपनी दुनिया में। आज मैं मीर को और करमवीर मुझे संभाल लेगा। ये लीजिए, आज से आप हमारी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू सर। नो नीड टू से थैंक्स, यू रियली डिजर्व्ड इट, यू वर्क्ड हार्ड। बाय द वे, आपने हानिया को बताया कि आज आप जॉइनिंग दे रहे हैं? नहीं। ओके, आई डोंट वांट टू मिस दिस मोमेंट, वेट। जी, हानिया ऑफिस आई है? ओके, उनको फौरन अंदर भेज दीजिए। यप। तुम्हारे जाने के बाद परीसा किन दुखों और तकलीफों से गुजरी है ये तुम्हें मालूम हो ही गया होगा। अगर मैं इन सारी बातों को अपने जहन में रखूं तो किसी भी मौके के लिए डिजर्व नहीं करते थे। अगर मैं परीसा को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे रहा हूं तो उसकी वजह भी परीसा ही है। मैं आपसे मेरी बात अभी खत्म नहीं ले आ रहे। उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ, सिर्फ एक बात अपने जहन नशीन कर लो कि इस बार उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे तुम्हारे किसी वादे की जरूरत नहीं।
और ना ही मैं तुम्हारी किसी बात से उम्मीद हूं। मेरे एक एक लफ्ज को अपने जहन में बिठा लो बस। जी कमिन। यस सर। मीट योर हस्बैंड, ही इज जॉइनिंग द कंपनी टुडे। आप यहाँ? सो गुल आज से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हानिया, इन सब चीजों का क्रेडिट आप ही को जाता है। वेल कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आई एम श्योर कि आप दोनों की टीम का हार्ड वर्क हमारी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। वेल हानिया, आप गुल को कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स और वर्क रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दे दीजिए। यस। आरिश, मैं इसे अभी कुछ दिन के लिए यहां रखना चाहता हूं। जैसे ही मुनासिब वक्त देखूंगा इसे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। सामिन अम्मी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक। जी जी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं परीसा को खुद लेकर आऊंगा, आप लोग मत आइए। मेरी भी बात करो जी। अम्मी, ये आली भाई आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब ठीक है। देखें, इस वक्त पुरानी बातें करने का अब कोई फायदा नहीं। परीसा को बस चंद दिन के लिए यहाँ रोक रहा हूँ, जैसे ही इसकी तबीयत संभल जाएगी मैं भेज दूंगा इसे आरिश के साथ। आप लोग पहले से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा इसका। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया की इसमें क्या बात, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बहन जहां भी रहे शादा आबाद रहे। आप बेफिक्र रहिए भाई, मैं और परीसा भी मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मम्मी वगैरह वापस पाकिस्तान भी नहीं आएंगे। दिस इज आवर रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टर ऑफ वर्क्स एंड चीफ इंजीनियरिंग नेवी। और यहाँ से है ये। ओके, एंड दिस इज द लमसम टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स रिक्वायर्ड। गुल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रही हूं? जी, आप समझाती बहुत अच्छा है ना, इसलिए। अच्छा चलें, बताएं फिर क्या समझाया मैंने। अब यही कह रही है ना कि गुल, I love you so much। गुल, ये ऑफिस है, घर नहीं है हमारा। आपकी आंखों में देखता हूं तो जन्नत का एहसास होता है, फिर क्या ऑफिस और क्या घर। हानिया, होश तो। आप दोनों को सर ने ऑफिस में बुलाया है। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। मरवाएंगे आप तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाभी, मैं जब तक अपने भतीजा या भतीजी को सीने से नहीं लगाती, उसे प्यार नहीं करती, उसे गोद में नहीं उठाती, मैं नहीं जाऊंगी दुबई। चल
तुम एक और नया झगड़ा खड़ा कर दो। मामला हंसी खुशी के साथ एक तरफ हो रहा है तो वो जाने दो परीसा। और वैसे भी दुबई दूर ही कितना है, 2 घंटे की तो फ्लाइट है, जब दिल चाहे आ जाना। और मैं तुम्हें लिस्ट दूंगी, खूब शॉपिंग करके आना। लेकिन भाभी मेरा दिल नहीं कर रहा। हद करती हो परीसा, अगर तुम ये बात आरिश के सामने करोगी ना तो झगड़ा हो जाएगा तुम दोनों का। अब वो मुझसे नहीं झगड़ने वाला। देखिएगा इंशाल्लाह आपके घर छोटी सी परीसा आएगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल जाएंगे। कभी नहीं, आज वही दिन है जब तुम मेरी जिंदगी में पहली बार आई थी मेरी बनकर। ये दिन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ।